जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे सीटेट परीक्षा से पहले कुछ महत्वपूर्ण गुरु मंत्र। जी हाँ, अगर आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण है। जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो सबसे ज्यादा अनिवार्य है और इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है परीक्षा में कितनी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका पछतावा पूरे जीवन भर होता है। इसलिए जो इस परीक्षा को कई बार दे चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पहली बार देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा के साथ साथ, पैटर्न के साथ साथ, समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलाव हो गया है। उस बदलाव को अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर समय के साथ खुद को परिवर्तित नहीं करेंगे तो डायनासोर की तरह विलुप्त होना है। सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं, उसके बाद ये भी कोशिश करेंगे ये जानने का कि सीटेट में कैसे बेहतर स्कोर करें। कई बार क्या होता है कि सीटेट में हम पढ़ाई कम कर पाते हैं और प्रश्नों को नहीं समझ पाते हैं, उस दशा में भी प्रश्नों का सही उत्तर कैसे दें इस पर भी जानना और पढ़ना काफी महत्वपूर्ण और जरूरी होता है। पहले तो उस बात पर भी जान लेंगे कि हमें परीक्षा में कैसे प्रश्नों को सही करना है और जो प्रश्न नहीं आते उनके भी उत्तर हमें कैसे सही करना है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। यहाँ पे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या ले जाना है। जैसे आप देखते होंगे जब यूपी टेट की परीक्षा होती है उसमें एडमिट कार्ड, आईडी, फोटो के साथ ओरिजिनल मार्कशीट या अटेस्टेड मार्कशीट भी ले जाना अनिवार्य होता है। लेकिन सीटेट की परीक्षा में आपको अपना प्रवेश पत्र, एक प्री एडमिट कार्ड होता है, एक एडमिट कार्ड होता है। परीक्षा से दो दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है उस एडमिट कार्ड की छाया प्रति और साथ में अगर फोटो साफ नहीं तो फोटो, वैसे कोशिश की अगर जब भी कभी परीक्षा देने जाए फोटो अतिरिक्त लेके जाया करें। उसके साथ एक आईडी होनी चाहिए, खासकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो युक्त कोई पहचान पत्र साथ में लेकर जाए। उसके साथ ये सवाल होता है कि क्या लेकर न जाए, माने और क्या नहीं। क्या नहीं का मतलब है कि डीएलएड या बीएड के सेमेस्टर की मार्कशीट या अटेस्टेड मार्कशीट यह इस परीक्षा में लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोविड के एक पत्र आता है उसको भरना होता है, वो भी आपने प्रिंट आउट करा लिया होगा, प्रश्न पत्र के साथ ही प्रिंट आउट होता है, उसे भी लेकर जिसमें केवल टिक करना होता है उसका कोई बहुत इशू ना हो। मास्क लेकर जाइएगा, सैनिटाइजर अगर आपके पास हो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पेन आपको बाहर रखवा दिया जाएगा, पेन वहां से आपको परीक्षा हाल के अंदर मिलेगी क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन मोड पर होनी है। तो आप ऑनलाइन मोड पर आप जाएंगे, एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद पहले तो आपका जो प्रवेश पत्र हिसाब से आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका थंब लगेगा, फिर आई कॉन्टेक्ट, उसके बाद तब आप जाएंगे आपको सिस्टम पर अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ आपका सिस्टम लॉगिन होगा, उसके बाद परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है कि परीक्षा में भाषा का चयन कैसे करें। ध्यान दीजिएगा, जो भाषा को छोड़कर बाकी जितने भी प्रश्न होते हैं वे दो भाषा में होंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों होंगे। सीडीपी अगर प्राइमरी की बात करें, पीआरटी की बात करें, पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपको सीडीपी दोनों लैंग्वेज मिल जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी। स्क्रॉल करेंगे माउस से तो नीचे की तरफ आएंगे, आपको दोनों भाषाओं में मिल जाएगा। सीडीपी हो गया, पर्यावरण हो गया, मैथ, ये तीन जो है ये बायलिंगुअल मिलेंगे, दोनों भाषाओं में मिलेंगे। लेकिन संस्कृत वालों को संस्कृत, अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी, हिंदी वालों को हिंदी या उड़िया वालों को उड़िया, मतलब जो अन्य भाषा, जो दो भाषा फर्स्ट और सेकंड जिस भाषा में होगा उसके प्रश्न आपको उसी भाषा में मिलेंगे। और सीटेट ये भी जानते हैं कि संस्कृत के प्रश्न पूरे संस्कृत में, हिंदी के प्रश्न पूरे हिंदी में, और उसमें भी गद्यांश, पद्यांश और शिक्षण होते हैं, माने पोट्री प्रोज और पेडागॉजी होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ख्याल करना है। प्रश्न में भाषा का चयन ध्यान दीजिएगा, तो भाषा जब चयन करते हैं तो एक बार ध्यान दीजिएगा, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड इन दो रूप में करते हैं। तो जो भाषा फर्स्ट होगा वो आपका 91 से, अगर भाषा फर्स्ट की बात करें, जो भाषा फर्स्ट है वो 91 से 120 चूज करेंगे जो भाषा फर्स्ट होगा, और जो भाषा सेकंड होगा, लैंग्वेज सेकंड होगा, वो 121 से लेकर 150 तक। हर भाषा 91 से 120, 91 से 150 तक होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने हिंदी को फर्स्ट भाषा चूज किया है तो उसको सॉल्व करेंगे 91 से 120, और अगर आपने सेकेंड भाषा अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, मलयालम कुछ भी ले लिख कर रखे हैं तो आपका 121 से 150। कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मैं एक सपोज दैट हिंदी की बात करूं, जैसे अगर मैंने हिंदी की ही बात किया, जो हिंदी है ये दो भाषा होंगी, ये आपको होगा 91 से 120 फिर 121 से लेकर 150। अगर जो भाषा फर्स्ट में हिंदी को लिया है वो प्रश्न को इस सेक्शन को हल करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है लोग हिंदी को सेकंड भाषा में रखते हैं, फर्स्ट में अंग्रेजी रख लिया है, फर्स्ट में संस्कृत रख लिया है, फर्स्ट में उर्दू रख लिया है, उस दशा में जो यह भाषा होगी, ये सेकंड भाषा, चाहे जो भी भाषा आप सेकंड में रखेंगे, जो भी, मतलब जरूरी नहीं कि मैं हिंदी की बात करूं,
जो भी आपकी द्वितीय भाषा होगी उसका प्रश्न 121 से 150 साल करेंगे। हो सकता है इसके जो जो मैं बता रहा हूँ आगे पीछे हो सकता है 61 से लेकर 120 तक हो सकता है, मैंने 61 से 91 फिर 120, तो जो होगा वो परीक्षा के प्रारंभ में ही दे देता है कि आपको पांच सेक्शन कौन कौन से हैं, उसके प्रश्न किस किस क्रम पर आने हैं, तो जिससे आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात ये जान लीजिएगा परीक्षा में नकारात्मक अंक नहीं है, माइनस वन के नहीं है, सभी प्रश्न करने हैं, जो नहीं आएगा उसको छोड़ना नहीं है। जैसे मान लीजिए 150 नंबर का प्रश्न है, सपोज 150 नंबर का प्रश्न है, आपको 95 आ रहा है, 55 प्रश्न नहीं आ रहे, क्या 55 छोड़ देंगे? ये तो मूर्खता हो गया, उसको हल करिए, तुक्का मारिए। तुक्का कैसे मारना है इसकी वीडियो मैंने बनाकर डाली, एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो प्रश्न छोड़ते हैं मूर्ख हैं। कुछ कहेंगे सर तुक्का मारना क्यों बता रहे, यार ठीक है अगर आपको जो नहीं आता प्रश्न छोड़ दो, जो ये बात का विरोध करता नहीं सर मुझे छोड़ देना, जिस प्रश्न में नकारात्मक अंक नहीं हो वो प्रश्न छोड़ना मूर्खतापूर्ण होता है। 55 में हो सकता है उस 55 में आपकी 25 सही हो जाए, 20 सही हो जाए, 15 सही हो जाए, तो आपके स्कोर कितने पहुंच जाएंगे, 120 पहुंच जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा समय आपका गणित में टूटता है। ऑनलाइन परीक्षा में क्या होता है, प्रश्न काफी बड़े बड़े होते हैं, तो ध्यान देना है कि प्रश्न को पढ़ते के साथ साथ समय का भी ख्याल रखना है और सारे प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ते रहना। अंत में पूरा प्रश्न करने पर सबमिट बटन को भी क्लिक करना ना भूलेगा। गणित में क्या होता है, समय टूटता है, जो गद्यांश पद्यांश में समय टूटता है, तो कोशिश करिएगा इन टॉपिक को छोड़कर बाकी सीडीपी पूरा कर लीजिएगा, पहले ईबीएस पूरा कर लीजिएगा, पेपर फर्स्ट में ये दो सेक्शन करने में आपका समय कम लगेगा और जल्दी जल्दी होगा। जैसे उसमें टैग वर्ड जो है मैंने पढ़ाया हुआ है और टैग वर्ड आपको नोट्स में भी था, और उस टैग वर्ड से आपको जो सवाल आएंगे जो प्रश्न आएंगे वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका जो काम का चीज होगा जो आपके परीक्षा में काफी सहयोग कर पाएगा वो होगा आपका टैग वर्ड के साथ साथ ये सभी 80% जवाब सही होते हैं, और एनसीएफ 2005, आरटी 2009, नई शिक्षा नीति, समावेशी शिक्षा, जीन प्याजे, अधिगम बुद्धि, ये ऐसे टॉपिक हैं जो परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। एनसीएफ 2005 पढ़ लिया है और शिक्षण पढ़ लिया है तो आप ये मानिए कि सीटेट कोई पास होने से आपको रोक नहीं सकता। उसके बाद है भूल कर भी ये गलती ना करें, मतलब कभी भी जल्दबाजी ना करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, भाषा का चयन कर लें, ऊपर देख लें, जब आपका जिस पर आपका एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होगा उस साइट पर जाकर देख लें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है, आप भाषा के हिसाब से चलें, जो कोई दिक्कत हो कठिन इच्छक को बुलाकर उससे पूछ लें, कहीं भी जल्दबाजी ना करें वरना आप परीक्षा से वंचित हो पाएंगे। हो सकता है आगे इसकी भर्ती है और भर्ती से भी बाहर ना हो पाए, जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा की जो नींव होती है आपके भविष्य टिकी होती है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसी से बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं बाहर फेल हो जाते हैं, जो भाषा का सही चयन नहीं कर पाते, उनकी जो पकड़ होती भाषा में वो भाषा फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड वाले फर्स्ट में, समझे नहीं पाते। हिंदी दो बार है, संस्कृत भी दो बार है, अंग्रेजी भी दो बार है, सारी भाषाएं दो दो बार होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं उन्हें कौन सा करना है, तो जो भाषा एक होगा भाषा फर्स्ट होगा तो भाषा फर्स्ट में हल करेंगे, जो सेकंड में होगा उसे सेकंड करेंगे। हर भाषा दो दो सेक्शन में होगा, याद रखिएगा हर भाषा दो खंड में होगा, अब ए बी, तो आपका ए होगा ए बी होगा तो बी करेंगे, बहुत सारे लोग करते हैं उसी से फेल हो जाते हैं। परीक्षा में इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कोई भी अगर समस्या आती है परीक्षा हाल के अंदर परीक्षा के बाहर आप कमेंट करके पूछिएगा, इलेनी विद दुर्गेश की पूरी टीम आपकी मदद करेगी। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है आज से और आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सभी है, बच्चे को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, बच्चा हमेशा सही होता है, अगर बच्चा फेल होता है तो भी टीचर की गलती है, बच्चे को सभी को पढ़ाना है, बहुभाषिक अच्छा रखनी है और बच्चे के अंदर हमेशा उससे उत्साह जगाना है, उसकी रुचि जगानी है, मोटिवेशन करना है। अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, लेट आ रहा है, देर से आ रहा है, उसका कारण जानने का पता करेंगे क्यों ऐसा होता है, उसके अभिभावक से संपर्क करेंगे। कई बार क्या होता है बच्चा को याद नहीं करना, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए हम कोशिश करेंगे ऐसे सवाल पूछें जिसका जवाब आसानी से दे ले, माने ग्रेडिंग के आधार पर उसके मार्क के आधार पर हम उसके मूल्यांकन करने से बचेंगे, हम उसे कक्षा कक्षा में बोलने का मौका देंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा चीजें बोले, वो अपने कक्षा में अपनी व्यक्ति रखे, बच्चे के सभी बात का सम्मान रखे करेंगे, अगर वो कुछ भी बोल रहा है उसकी बात को रखेंगे। बाकी एनसीईआरटी आपके लिए पूरी तरह से मस्ट है, एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है, बच्चों को याद नहीं करवाना, रटवाना नहीं है, बच्चों को इस बात पे जोर नहीं देना कि पढ़ कर आना है, याद करके आना, स्मरण करना है, ठीक, उन्हें सूचना शब्दावली इन सभी चीजों से सूचना से बचाना है, उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना है,
ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उदाहरण देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल हमेशा उनके आसपास का होगा, उनमें किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाएगा कि महिला है पुरुष है, गणित में तेज होते हैं, संस्कृत में लड़के तेज होते हैं, इंग्लिश में लड़कियां तेज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सभी समान होते हैं, सभी को सीखने के समान अवसर होते हैं। और हमारा आपका काम शिक्षक का सिखाने का काम होता है। पूरी शिक्षण पूरा सीटेट बाल केंद्र शिक्षण पर आधारित होगा, इसलिए हमेशा याद रखिएगा बच्चा सक्रिय होगा और शिक्षक क्या होगा उसमें निष्क्रिय होता है, और जो अधिगम होता है उसमें आगमन और निगमन दो शिक्षण विधियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के साथ साथ तथ्यों को समझाना है, कोशिश करना है कि टॉपिक बच्चे से खुद निकल कर आपके पास है। तो अगर इन बातों का आप ख्याल रखते हैं जितना भी मैंने अभी बताया, आप इसी इतने ही बात से सीटेट में कम से कम 30 नंबर ज्यादा करके आएंगे। और इसके साथ साथ बच्चों को उदाहरण जो देने उनके आसपास के हो, बच्चे उनको जानते हो, और उनके एनसीईआरटी जो किताब होती है, जो पाठ्य पुस्तक होती है, वह केवल आधार मात्र होती है। हमेशा हम बच्चों को उनके ज्ञान से बाहर की दुनिया से समाज से जोड़ते हैं, कोशिश करते हैं उन्हें करके सीखने पर बल देना, उन्हें छत्र भ्रमण पर ले जाना, उन्हें ले जाकर दिखाना, उन्हें बताना, उन्हें समझाना, दादा दादी की कहानियां बताना, और जब बच्चे रुचि न ले रहे हैं ऐसी एक्टिविटी करना, गतिविधि करना, ताकि बच्चे के अंदर रुझान उत्पन्न हो जाए। कभी कभी बच्चे कक्षा में पढ़ने से मना करते हैं तो भी उनकी बात स्वीकार करना, ठीक है बेटा नहीं पढ़ना चलो खेलते हैं, तो खेल विधि का भी प्रयोग करना है और उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का भी विकास करना है। मानी कि ऐसे प्रमुख तथ्य हैं, ऐसे प्रमुख पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत मददगार होंगे। और हम उम्मीद करते हैं अभी की बार सीटेट पास आपने नोट्स को पढ़ लिया, एक बार फिर से लर्निंग दुर्गेश की पूरी नोट्स को पढ़ लीजिएगा, ये नोट्स आपको हमेशा काम आएंगे, ये नोट्स पूरी एनसीईआरटी बने हैं, और आपका सीटेट का जो पूरा पेपर होता है वो एनसीईआरटी के ही इर्द गिर्द होता है। एनसीईआरटी अगर आपने कवर कर लिया आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। अगर अभी तक आपको नोट्स नहीं मिले हो तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ सकते हैं। और आप नोट्स को लेकर कोई जानकारी चाहिए, लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस का नंबर है, इस पर जुड़कर आप नोट्स संबंधी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी मित्रों को शेयर करिएगा जो सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो किसी के भविष्य को बचा सकता है, किसी के भविष्य को एक नई राह एक नई उड़ान दे सकता है, किसी के अंकों में एक बड़ा बदलाव कर सकता है। इसलिए यह वीडियो हर उस व्यक्ति तक भेजिएगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, और अगर उनमें कमी रह गई जैसे ये दोनों जहां विकल्प आ जाए ये दोनों वो सही होता है, ये सभी हमेशा सही होता है, 80% सही होता है, इन बातों का हमेशा ख्याल रखना है आपको। सीडीपी में भी इन बातों का ध्यान रखना है, जो सीडीपी का सेक्शन होता है हिंदी शिक्षण में ध्यान रखना है, गद्यांश में पद्यांश में, उसमें पद्यांश में क्या करिएगा जो गद्य और पद्य होता है उसमें ही उसका उत्तर छिपा होता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। जो संस्कृत अंग्रेजी के होंगे उनको दिक्कत होती है, अरे सर इसका उत्तर मुझे कहां मिलेगा, तो पहले आप लोग करते क्या है पैसेज पढ़ते हैं, फिर अंत में जाकर क्या पढ़ते हैं उसका विकल्प, तो उल्टा काम करेगा, पहले विकल्प को पढ़ लीजिएगा, प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको तुरंत दिमाग करेगा अरे ये तो यही लाइन में, उस लाइन को मैच कराएंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे। जिनको संस्कृत नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, सेकेंड लैंग्वेज इनको दिक्कत होता है, या फर्स्ट लैंग्वेज में दिक्कत होता है, तो उसका उत्तर उसके पैसेज में ही होता है, बाहर से आपको उत्तर नहीं देना है। आपको भी पता है शिक्षण के सवाल झोला भर भर के पूछे जाते हैं, और शिक्षण के नोट्स आपको लर्निंग विद दुर्गेश पर पूरे मिल चुके होंगे, आप पूरा नोट्स को दोहरा लीजिएगा, पढ़ कर जाइएगा, यकीन मानिए अब की बार सीटेट पार और अगली बार एक सीट हमारा का सपना पूरा करना है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, समय से पहले जाइएगा परीक्षा हाल में, और अंत में सबमिट बटन आएगा तो पॉपअप 3 बार आएगा, उस पर जब तक सक्सेसफुल लिखकर विंडोज बंद हो जाएगा तभी कक्षा कक्ष से बाहर निकलिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कभी एक कक्षा में ऑनलाइन परीक्षा में अगर 50 लड़के हैं तो कुछ सेटअप बॉक्स समय से चालू हो जाते हैं, लेकिन कुछ 10-15-20 मिनट बाद चालू होते हैं, तो जब आपका चालू होगा आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर उसी समय से उसकी टाइमिंग शुरू होती है। अगर बीच में कभी कभी क्या होता है कोई सिस्टम बंद हो जाता है इसकी सूचना कथनिच्छा को दीजिए, जब चालू होगा समय उसके आगे से चालू होगा पीछे से नहीं होगा, इन बातों का ध्यान रखना है। कोई समस्या आती है कथनिच्छक को बुलाइए, वहां पर जो स्टाफ है बुलाइए, उनसे पूछिए, कहीं भी कोई समस्या होती है तो उनसे पूछेगा, चीजों को चेक कर लीजिएगा, फिर से जाते समय अपने प्रवेश पत्र को, उस पर लगी फोटो, अपना डॉक्यूमेंट, एक से अधिक हो सकता है वोटर आईडी, पासबुक, कुछ भी एक्स्ट्रा रखिएगा, और कलम आपका बाहर कर दिया जाएगा, और आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आप परीक्षा हॉल के अंदर जाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपके पूरे परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ है।
तो आप इस बार खुद से खुद के लिए बेहतर करिए ताकि अगली बार आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य आपके कदमों के नजदीक आ जाए। मेरी शुभकामनाएं आपको है, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को हर साथियों तक भेजिएगा जो सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट परीक्षा देने से जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, फेसबुक पर अगर है तो वहां पे भी शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपके कोई व्यक्तिगत सवाल हो इलर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पे पूछेगा, इलर्निंग विद दुर्गेश की टीम आपको जवाब जरूर देगी। बाय बाय। नोट्स पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार कहूंगा नोट्स आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलर्निंग विद दुर्गेश।